कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, कण कण में है शिल्प कला की विविधता। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पारंपरिक शिल्प कला, आधुनिक डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी के संगम से शिल्प कला की दुनिया में नित नए प्रयोगों को बढ़ावा देती है। जमीनी स्तर पर काम कर रहे शिल्पकारों और कारीगरों के साथ मिलकर शिल्प कला को आकर्षक बनाने और डिजाइनिंग को आधुनिक रूप देने की दिशा में निफ्ट लगातार काम कर रहा है, ताकि ये बाजार की मांग के अनुरूप हो। हस्तकला विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय ने देश में कई जगहों पर हस्तशिल्प समूह यानी क्राफ्ट क्लस्टर बनाया है और निफ्ट अपने छात्रों को हर साल इन क्राफ्ट क्लस्टरों में भेजकर उन्हें विभिन्न शिल्प कला की जड़ से जोड़ता है। पूरे पाठ्यक्रम में इस बात की कोशिश होती है कि विद्यार्थी क्राफ्ट क्लस्टर का न सिर्फ हिस्सा बने, बल्कि उसे अपने व्यावसायिक जीवन का हिस्सा बनाए। भारतवर्ष में इतने अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट के और हैंडलूम के क्लस्टर्स हैं, तो पिछले कुछ सालों से ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया और बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, जिसमें हम अपने निफ्ट के स्टूडेंट्स को इन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम क्लस्टर्स में भेजते हैं और वो बच्चे दो तीन बार जाते हैं। पहली बार जब जाते हैं तो वो सीखते हैं, देखते हैं कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो किन हालात में रहते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। दूसरी बार जब तब तक बच्चे थोड़ा पढ़ चुके होते हैं, थोड़ा डिज़ाइनिंग सेंस बढ़ चुका होता है, फिर उनके साथ बैठ करके वो प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करते हैं, जो उन्होंने सीखा है वो शेयर भी करते हैं उनके साथ। तो वैसे तो उनकी पढ़ाई का पार्ट है, मगर ये एक ऐसा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं, और जो आर्टिजन्स और व्यूवर्स हैं उनको ये फ़ायदा है कि नए नए डिज़ाइंस, नए नए कलर्स, नए नए जो आजकल आए हुए हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस अनोखे पाठ्यक्रम के पहले साल विद्यार्थियों को क्लासरूम लेक्चर्स की मदद से किताबी जानकारी दी जाती है, ताकि वो देश में उपलब्ध विभिन्न शिल्प कला को अच्छी तरह से समझ सके। पहले साल में जब बच्चे यहाँ पे आते हैं फाउंडेशन में, तो वो एक अलग अपने अलग अलग रीजन से, भारत के अलग अलग रीजन से आते हैं, और यहाँ पर जब मिलते हैं तो एक कोहेसिव नेचर फॉर्म करते हैं। हम सीखते हैं, देखते हैं क्या टेक्निक्स हैं, देन फिर हम उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने रिसर्च बेस्ड वर्क करके। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए विद्यार्थियों को शिल्पकारों और कारीगरों के साथ जोड़ा जाता है। उन्हें जमीनी स्तर पर काम सीखने का मौका दिया जाता है, जिससे उन्हें कारीगरों के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट तैयार करने का मौका मिलता है। यहां से शुरू होता है शिल्प और फैशन का अद्भुत संयोजन। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश के सभी 17 निफ्ट के विद्यार्थियों को विभिन्न क्राफ्ट क्लस्टर में भेजा जाता है, ताकि वे उन क्षेत्रों की विशेष कलाओं के साथ जुड़ सके और उसे एक नया आयाम दे सके, जो स्थानीय शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त कर सके। हम निफ्ट में उनको थ्योरेटिकली हम काफ़ी कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, क्लस्टर में जाते हैं, तो वो सीखते हैं कि आर्टिजन्स किस परिस्थिति में रह रहे हैं, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना हो रहा है, तो वो उनको समझते हैं बेसिकली डिज़ाइन में कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर डिज़ाइन जो चल रहे हैं, वो यहाँ पे जो कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन, पुराने डिज़ाइन चल रहे हैं, उसमें कैसे तब्दीली करके उसको एक नया डिज़ाइन बना के मार्केट में पेश कर सकते हैं, और दूसरा प्रोडक्शन में वो कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, और तीसरा मार्केटिंग लिंकेजेस में। फुलकारी एक स्थापित शिल्प कला है जो पंजाब की घर घर में बसा है, और हर रीति रिवाज में इसका विशेष महत्व है। फुलकारी कला को एक नई ऊंचाई देने के लिए निफ्ट पंचकुला कृत संकल्प है। पंचकुला के आसपास फुलकारी के कई क्लस्टर बनाए गए हैं, और इनमें पटियाला प्रमुख है। फुलकारी को शादी में सर यूज किया जाता है, शादी में बेसिकली जब लड़की को स्टेज पे लाते हैं तो उसके भाई चारों तरफ से पकड़ के दुपट्टे को लेके आते हैं। फुलकारी जितना सुंदर देखने में लगता है, उतना ही सुंदर, उतना ही मजा उसको करने में आता है। विद्यार्थी पारंपरिक फुलकारी शिल्प को नए आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे शिल्पकारों को अपने डिजाइन में बाजार के अनुरूप बदलाव करने का अवसर मिल रहा है, और विद्यार्थियों को इस इकोसिस्टम से जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। आप यहाँ पे अगर बच्चों को देखेंगे ये एक्टिविटी करते हुए, तो ये काम की बारीकियों के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं, इनको बहुत सीखने का मौका मिल रहा है। बाद में इनके इंटरवेंशन से ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको ये बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। एम्ब्रॉयडरी, नीडल वर्क, मेटल वर्क आदि हिमाचल की मुख्य हस्तकलाओं में से है, और कांगड़ा निफ्ट ने इसे अपने क्राफ्ट क्लस्टर का हिस्सा बनाया है। विद्यार्थियों को इन कलाओं के अलग अलग स्वरूप को जानने समझने का मौका मिलता है। चंबा रुमाल कला काफी प्रसिद्ध है,
ये हिमाचल प्रदेश के चंबा राज्य में 17वीं और 18वीं शताब्दी के पूर्व शासकों के संरक्षण में की जाने वाली कशीदाकारी हस्तकला है। तो उन लोगों ने जो चित्रकला बनाई यहाँ आके, तो लेडीज़ ने देखा कि हम लोग भी इतनी सुंदर चित्रकला बनाते हैं, मिनिएचर बनाते हैं, तो हम लोग भी इसको थोड़ा सा सीखे। तो उन्होंने कपड़ा लाकर उनको दिया और उन लोगों ने कपड़े के ऊपर जो चित्रकला बना के दी, तो उन औरतों ने वो अपने लिए बनाना शुरू कर दिया। जैसे हमने यहाँ क्लस्टर रिसर्च पर आए हुए हैं, तो हमें पता चला कि यहाँ पर चंबा रुमाल के स्टिच करने वाले तो बहुत आर्टिशियन मिल जाएंगे, बट कोई भी ना नई डिज़ाइंस नहीं सोच पाता है, वो अपने पुराने मोटिव्स को ही कॉपी करते चले आ रहे हैं। तो हम उन्हें नए मोटिव्स, नए डिज़ाइन और उसका नया कलर पैलेट दे सकते हैं। रंग से भरी इस कला को देखकर आंखें स्तब्ध हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। ये कांगड़ा की चित्रात्मक कला है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश की पूर्व रियासत कांगड़ा के नाम पर रखा गया। क्राफ्ट क्लस्टर में विद्यार्थी इस वर्षों पुरानी कला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं और कलाकारों के साथ जुड़कर नित नए प्रयोग करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये कला धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रही है। हमारे को पहले ये दिक्कत आती थी कि हम लोग काम तो कर पाते थे, परंतु हमारी मार्केटिंग वगैरह नहीं हो पाती थी और हम लोग जो थे वो इसी पेपर के ऊपर ही हम लोग काम करते थे। पर जब से मैं निफ्ट के बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, 2017 से निफ्ट के बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, उसके बाद बच्चे जो है वो डिज़ाइनिंग में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और मार्केटिंग में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। कल की जनरेशन जैसे अब हर जगह पे जाएंगे, ये बताएंगे और इंस्टाग्राम वगैरह पे और फेसबुक पे ये होते ही हैं बच्चे, इन बच्चों के थ्रू मुझे लगता है कि हर किसी को पता चलेगा। पारंपरिक एवं आधुनिक चित्रकारी का मेल अद्भुत है, इसे देख मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। कौन जानता था कि चीड़ के पेड़ से गिरे इन सूखे हुए सुई की तरह दिखने वाले पत्तों से भी कुछ बनाया जा सकता है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के हस्तशिल्प कलाकार बारीक नीडल वर्क की मदद से आकर्षक शिल्प कला तैयार करते हैं, जिन्हें देखकर आंखों को विश्वास नहीं होता कि ये सच है या कोई परिकल्पना। क्राफ्ट क्लस्टर के दौरान हम ये कोशिश करते हैं जो हमारा स्टूडेंट है वो ना सिर्फ आर्ट को सीखे बट आर्ट को जिए। वो इन आर्टिसन से मिलते हैं, आर्ट के पीछे के इमोशंस को जानने की कोशिश करते हैं, कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं, भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश का मेटल वर्क भी क्राफ्ट क्लस्टर का जरूरी हिस्सा है जो देश विदेश में विख्यात है। आपके घर में पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी चीजें इसी मेटल वर्क की कला का एक स्वरूप है। इसके अलावा मूर्तियां, बर्तन आदि भी यहाँ बनाए जाते हैं। विद्यार्थियों को इस कला में लीन होते देखना अच्छा लगता है। दिल्ली निफ्ट के विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश की प्रचलित कला चंबा चप्पल को नए दौर से जोड़ रहे हैं। आपने ये चप्पल खूब पहने होंगे, लेकिन तब शायद ये नहीं पता होगा कि इसको बनाने वाले कारीगर इस चप्पल के लिए अपनी कला का कितना संयोजन करते हैं। चप्पल के एक एक कोने को बुनना, सजाना और रंगना अपने आप में बहुत सब्र और सहूलियत का काम है। निफ्ट जो हमें एक क्राफ्ट बाजार का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। उसमें हमें हर टाइप का कस्टमर प्रोवाइड होता है और निफ्ट हमें उसमें पूरा फैसिलिटेट करता है। चंबा चप्पल एक बहुत पुराना क्राफ्ट है जो यहाँ पे बहुत पहले से किया जा रहा है, एंड ये टेक्निकली एक कांगड़ा से एक राजकुमारी थी जिनकी शादी हुई थी चंबा में, तो उनके साथ सेवक लोग आए थे तो उन्होंने ये क्राफ्ट स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर चंदेरी में चंदेरी सिल्क साड़ियां बनाई जाती हैं, जो देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं। रंग बिरंगे धागों से बनी ये रेशम की साड़ियां कलाकार की कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। क्राफ्ट क्लस्टर में चंदेरी सिल्क साड़ियों के लिए खास जगह है। निफ्ट के विद्यार्थी कारीगरों के साथ मिलकर इस साड़ी के स्वरूप और इसके महत्व को निखारने की कोशिश करते हैं। हमें नए नए डिज़ाइन के लिए बताते हैं कि ये डिज़ाइन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी साड़ी में और अच्छा गेटअप आएगा, इसमें आप और अच्छा आपको जो साड़ी का प्रॉफिट है वो भी अच्छा मिलेगा, मार्जिन भी अच्छा बन जाएगा। और नए नए डिज़ाइन जो हमें भी नहीं मालूम है, जिसके बारे में
वो डिज़ाइन हमें भी बता कर जाते हैं स्टूडेंट जो आते हैं। हम यहाँ पे वीवर से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे क्या बनाया, क्या इसका स्टार्टिंग प्रोसेस था, क्या इसका एंडिंग प्रोसेस था। हम लोग ये सारा एक कॉपी में एक उसमें नोट करते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका कॉलेज जाके रिसर्च करते हैं पूरा, ताकि इसमें हम लोग और कुछ चेंजेस ला सके, ताकि ये और बेटर हो। गुजरात अपनी अनोखी हस्तकला के लिए देश विदेश में जाना जाता है। गांधीनगर निफ्ट के विद्यार्थियों को गुजरात की लोकप्रिय कलाओं के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पकारों के साथ मिलकर विद्यार्थी शिल्प कला को एक नया आयाम दे रहे हैं। वो एक न्यू डिजाइन देना चाहते हैं, ताकि ये अपना मार्केट में बेच सके, बिकॉज वो अभी भी अपने ओल्ड टेक्निक्स में ही हैं, ओल्ड टॉयज ही बेच रहे हैं। इसमें और क्या डिज़ाइन हम कर सकते हैं जो ऑलरेडी उनके पास हैं, अवेलेबल हैं, और जो मार्केट में अभी नहीं चल पा रहे हैं, उसमें नया फ्यूजन करके, फ्यूजन के बाद वो नया डिज़ाइन उनमें दे के कुछ हो सकता है कि दूसरा मटेरियल भी उसके साथ इंक्लूड करें। निफ्ट के जो स्टूडेंट आए मेरे को बताएं, नई नई डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये पुराना वाला भी बनाना है और नया भी बनाना है, दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो मार्केट का अच्छा वैल्यू भी मिलेगा आपको और अच्छा काम भी मिलेगा, दो पैसा आप ज्यादा कमाओगे। इन घंटियों की आवाज का रिश्ता गुजरात के कच्छ से है। यहाँ की नक्काशी की हुई घंटियाँ सदियों से देश विदेश में प्रचलित हैं। मवेशियों की गले से लेकर मंदिर तक इन घंटियों के सुर सुनाई देते हैं। निफ्ट के विद्यार्थी अपने क्राफ्ट क्लस्टर में इन घंटियों पर पारंपरिक से लेकर तरह तरह के आधुनिक और गैर परंपरागत नक्काशी करते हैं। हमारी आज की जनरेशन है वो क्राफ्ट्स को लेके काफ़ी हटती जा रही है दूर, डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रिजिंग है वो निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस कर रहा है। निफ्ट की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग विलेजेस में जाके और जो पर्टिकुलर स्टेट की तरफ से क्राफ्ट जो डिफाइंड है उनको स्टडी करें। मडवर्क यानी कि मिट्टी की कला के लिए कच्छ प्रसिद्ध है, शायद मिट्टी को सोना बनाना इसे ही कहते हैं। ये देखकर कहना मुश्किल है कि कला का ये स्वरूप मिट्टी से बनाया गया है। सुंदर कांच के टुकड़ों को मिट्टी के डिजाइन्स के बीच में सहेज कर लगाया जाता है, जिससे न सिर्फ कला के इस स्वरूप में चार चांद लग जाते हैं बल्कि इसे नया जीवन भी मिल जाता है। वर्क करते हैं तो अच्छा तो एक्सपीरियंस हमें मिलता है और वो कुछ उनसे हमें कुछ नए नए आइडियाज़ भी मिलते हैं, जैसे कि अभी वो डिज़ाइनिंग में काम करें तो हमें उनसे ये हेल्प मिलती है कि हमें अगर कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है तो हम उसमें कौन सी डिज़ाइंस डालें। कला का मूल रूप वही रहेगा तो इससे ये फ़ायदा होगा कि कला भी वही है और हमारा डिज़ाइन भी नया है, तो इससे मार्केट में एक नए प्रोडक्ट्स आएंगे। निफ्ट के विद्यार्थियों के लिए इस कला से जुड़ना और इसे फिर से जीवित करना एक नया अनुभव है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पे सोशल मीडियाज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स के नए फीचर्स आ रहे हैं, फेसबुक के एड्स आ रहे हैं, तो हम उनको एज एन इंटरनेट से कनेक्ट करना सिखाते हैं। कठपुतली का खेल आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, कभी सोचा है इसे बनाया कैसे जाता है? कठपुतली गुजरात की संस्कृति और कलाकारी का अभिन्न अंग है और इसे खास तौर पर अहमदाबाद से जोड़ा जाता है। यहाँ पपेट मेकिंग का काम बहुत ज्यादा किया जाता है। जब हमारा दादा परदादा बनाते थे, इनके हिसाब से हमारा पिताजी बनाते थे, पिताजी के बाद में हमने शुरुआत बनाते भी हैं, पपेट शो करते भी हैं। अभी भी कठपुतली बहुत जगह होती है, मुझे लगा कठपुतली शो होना बंद हो चुका है, बट ये होता है क्योंकि हमें ये क्राफ्ट को समझने के लिए भेजा गया है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस क्राफ्ट को देखते हुए उसके साथ नया क्या प्रोड्यूस करें जो मार्केट में उसको फिर से क्राफ्ट आ सके। निफ्ट के छात्र यहाँ के कारीगरों तथा बुनकरों के समूहों के साथ मिलकर काम सीखते हैं और खेल खेल में अलग अलग तरह की कठपुतलियां बनाते हैं। गुजरात के ही पश्चिमी इलाके में एक जगह है खंभात, यहाँ की अगेट या अकीक कला देश और दुनिया में काफी प्रचलित है। ये बहुत ही अलग तरह का पत्थर होता है जिसे रत्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ धार्मिक आस्था और स्वास्थ्य लाभ जैसी मान्यताएं भी जुड़ी हैं। अगेट पत्थर को बनाने के लिए पहले बड़े पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, जिसके बाद उस पर तेल लगाकर उसे चिकना करते हैं और बाद में मनचाहा स्वरूप देने की कोशिश की जाती है। ये रंग बिरंगे पत्थर के टुकड़े बनाते हुए निफ्ट के विद्यार्थी अपने आधुनिक डिजाइन से कारीगरों के काम में नई जान डाल देते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का क्राफ्ट है,
जो उस टाइम से चला आ रहा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अभी हमारा काम यह है कि उनको कुछ अलग से मोटिव्स देना, डिज़ाइंस देना। निफ्ट के स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, कुछ अलग डिज़ाइन लेके आते हैं, कुछ उनकी डिज़ाइन से बनाते हैं, कुछ हम हमारी डिज़ाइन से बनाते हैं। क्राफ्ट क्लस्टर का मकसद निफ्ट के छात्रों को शिल्प कला के प्रति संवेदनशील बनाना है, साथ ही उन्हें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद पारंपरिक कला के बारे में जानकारी देना है, रुझान पैदा करना है। इसकी मदद से निफ्ट में पढ़ने वाले भविष्य के कारीगर जमीनी स्तर पर जुड़ जाते हैं। इससे न सिर्फ शिल्प कला को संवारा जा रहा है बल्कि इन शिल्पकारों और कारीगरों के जीवन में उम्मीद की नई किरण उत्पन्न हो रही है। हमारे और भी कई क्लस्टर एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे एक आर्टिज़न अवेयरनेस वर्कशॉप होता है जिसमें कि हम आर्टिजन्स को बुलाते हैं और स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ और हमारे बाकी सब मिलके उन्हें नए नए आयाम के बारे में सिखाते हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफी हो गया, पैकेजिंग हो गया, और जैसे कि सोशल या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसको कैसे प्रमोट किया जाए ताकि हमारे आर्टिजन्स जो है आत्मनिर्भर और खुद से ही वो कर सकते हैं और अपने क्राफ्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। कारीगरों तथा बुनकरों को भी निफ्ट में आमंत्रित किया जाता है जहां वो एक्सपोजर वर्कशॉप्स, डेमोंस्ट्रेशन वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस एंड क्राफ्ट बाजार्स में हिस्सा लेते हैं। साथ ही उन्हें शिल्प के विशेषज्ञों से बातचीत करने का अवसर भी मिलता है जिनकी मदद से वो 21वीं सदी के उपभोक्ताओं के मन को भांपकर अपने उत्पादों को उसके अनुसार बेहतर बना सके। फैशन की चमकीली दुनिया सिर्फ बॉलीवुड या पेज 3 में ही नहीं बल्कि हमारे गांव देहात में भी पनपती है। इन्हीं जगहों से आधुनिक डिजाइनिंग और शिल्प का समावेश करने का अद्भुत काम किया है निफ्ट ने।